हेलो फ्रेंड्स, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में आपका स्वागत है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गुरुद्वारा का नाम बांग्ला साहिब क्यों रखा गया है। ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये गुरुद्वारा कब और किसने बनाया होगा। इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। गुरुद्वारा के अंदर जाने से पहले जूते जमा करने पड़ेंगे और सर ढांपने पड़ेंगे रुमाल से। तो हम अब आ गए जूता जमा करने। ये सारे काउंटर लगे हैं जूते जमा करने के लिए। लोग जूते जमा कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम चलेंगे अंदर। अंदर जाके आपको दिखाएंगे कैसे बना है गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारे के अंदर का सीन है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सजाया गया है। लोग बैठे हैं यहाँ पे। अब बाहर निकल गए हम, आपको चारों तरफ दिखाएंगे घुमा के। चलिए हम नज़र डालते हैं हिस्ट्री में। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब सिख धर्म के एक धर्म स्थल है। सिख धर्म में 10 गुरु हैं। उनमें से पहला गुरु है गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और 10वां है गुरु गोविंद सिंह, और 8वां गुरु है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की वजह से ही गुरुद्वारा बांग्ला साहिब फेमस है। गुरु हरकिशन जी की जन्म होती है 1656 में, और जब 1664 उनकी उम्र जब 7 साल की होती है तो वो गुरु बनते हैं। तो उस ज़माने के मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। उसी ज़माने में वो जब दिल्ली आए तो आके यहाँ पे एक बांग्ला था, वहाँ पे रुके थे। वो बांग्ला था जयपुर के राजा जय सिंह के। जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में स्मॉल पॉक्स और कोलेरा की महामारी चल रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे स्थित कुएं से लोगों को साफ पानी पिलाया और लोगों की मदद की। उसी महामारी में गुरु जी बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। तकरीबन उसे 100 साल बाद सिख सरदार बघेल सिंह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली और लाल किले पर कब्जा कर लिया। उस जमाने के मुगल सम्राट शाह आलम टू ने उनके साथ एक समझौता किया। उस समझौता के मुताबिक बघेल सिंह ने दिल्ली में 9 सिख गुरुद्वारा बनवाने का परमिशन हासिल किया। उसी वक्त 1783 में ये गुरुद्वारा बनवाया गया था। उसके बाद से लेकर आज तक बीच बीच में इसका पुनर्निर्माण किया गया है। रिसेंटली यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया है, जिसमें गरीब लोग सिर्फ 50 रुपये में अपना MRI करा सकते हैं। और यहाँ पे लंगर खाने भी हैं, कोई भी गरीब इंसान, भूखे इंसान आके यहाँ पे खा सकते हैं फ्री में। और पानी वगैरह पिलाते हैं लोगों को। यहाँ पे साफ़ सुथराई का बहुत ध्यान रखा जाता है। गोल्डन गुंबद के नीचे यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है। और ये है लंगर। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं लंगर खाना। देखिए अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। आज खाने में दाल, चावल और रोटी भी है, आप देख सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे हिस्ट्रिकल प्लेस के।